एक 4 साल की मासूम बच्ची के पापा ने पीएम मोदी सहित सीएम और राज्यपाल तक न्याय की गुहार लगाई है। अपनी चिट्ठी में इंसाफ की उम्मीद रख ये शख्स जूझ रहा है ब्लड कैंसर से। ये कैंसर की बीमारी उसे लगी है फार्मा कंपनी ल्यूपिन के प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हुए हानिकारक केमिकल से। ब्लड कैंसर से जिंदगी और मौत के मझधार में फंसे उपेंद्र शर्मा की आंखों का तारा है 4 साल की मासूम बच्ची, लेकिन पापा को ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई है। ये बेरहम बीमारी उसे लगी है देश की दूसरी बड़ी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी ल्यूपिन के प्रोडक्शन यूनिट में काम करने के दौरान, जहाँ केमिकल से दवाई बनती है। 17 जुलाई 2016 को उन्हें तेज बुखार आया। डॉक्टर के चेकअप और लेबोरेटरी से हुई जांचों के बाद उसे जो रिपोर्ट मिली उससे होश उड़ गए। उन्हें ब्लड कैंसर हो चुका था। अंदेशा होने पर उपेंद्र ने इंटरनेट पर उन केमिकल की रिसर्च की जिनके बीच वो काम करता था। उसे पता चला कि उसकी बीमारी सीएमएल के लक्षण इन केमिकल से होने वाले इफेक्ट से ही मेल खाते हैं। ये हानिकारक केमिकल हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरिक और टॉरिन जैसे एमएसडीएस भी बोलते हैं। इस आधार पर उपेंद्र ने कंपनी को क्लेम किया, जिसके जवाब में उनके वकील ने इसे सिरे से नकार दिया। चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब कंपनी के ही 2 कर्मचारियों को वेयरहाउस में कार्यरत राज राय और सेफ्टी में जमुना की ट्यूमर और कैंसर से मौत इसी दौरान हो गई। उपेंद्र को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हुआ। फरवरी 2018 में इलाज के लिए छुट्टी लेने पर उन्हें बोला गया, आप जल्द से जल्द दूसरी नौकरी तलाश ले। कंपनी फिर ज्वाइन करने पर उसी डिपार्टमेंट में काम करने को बाध्य करती रही। आखिरकार दिग्गज फार्मा ल्यूपिन की पोल खोलने के मकसद से उपेंद्र ने पीएमओ, सीएम और राज्यपाल को पत्र लिखे। ल्यूपिन के गोरख धंधे पहले भी सामने आए हैं। 8 से 19 फरवरी 2016 तक यूएसएफडी ने ल्यूपिन के मंडीदीप एपीआई यूनिट की जांच की तो IIFL की रिपोर्ट में सामने आया कि API यूनिट में पुराने और खारिज माल का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने 2012 से 2015 तक पुराना माल बाजार में बेचा है। ल्यूपिन ने दवा बनाने में सही उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया है। साफ सफाई को लेकर भी गंभीर आपत्तियां आई है। ल्यूपिन लिमिटेड भोपाल क्या बनाती है? ये कार्डियोवैस्कुलर लिसनोप्रिल बनाती है। 2 यूनिट है वहाँ पे, एक यूनिट में कार्डियोवैस्कुलर बनता है, दूसरी यूनिट में सिफेलोस्पोरिंस बनता है। तो ये दवाइयाँ किस काम आती है? ये दवाइयाँ कार्डियोवैस्कुलर जो है वो हार्ट की दवाई बनाने काम में आती है और सिफेलोस्पोरिंस बुखार वगैरह इन काम में आती है। ठीक है, तो उसके बाद में आपको वहाँ पे काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं? मुझे अभी 1 सितंबर 2018 को 6 साल हो जाएंगे। अभी अप्रोक्स 5.5 साल से ऊपर हो गए। हाँ, तो आपकी जिंदगी में एकाएक एक हादसा क्या हुआ? 2016 में मुझे कैंसर हुआ। और क्या, कौन सा कैंसर है? ब्लड कैंसर, CML, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। और जो मैं केमिकल्स में काम करता था वो बहुत हानिकारक थे। उनके भी सिम्टम्स, मेरी जो रिपोर्ट्स हैं उनके एज इट इज सेम सिम्टम्स हैं। और उसके बाद में अभी तक कंपनी के द्वारा मतलब कोई हेल्प नहीं की जा रही, और अभी भी 6 महीने से सिर्फ उनके आश्वासनों पे ही रह रहा हूँ और कोई सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको कैसे लग रहा है कि ये कैंसर आपको वहाँ पे केमिकल के कारण हुआ है? क्योंकि मैं उन रिपोर्ट्स को पढ़ता हूँ और उन रिपोर्ट्स को जब मैं उनके साथ टैली करता हूँ तो वो रिपोर्ट्स बिल्कुल एज इट इज मैच करती हैं। और फिर मेरे बाद में जस्ट क्या लगा फिर आपको? मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं मुझे सत्य की लड़ाई लड़नी चाहिए इन लोगों से। नहीं नहीं, ये कैंसर का कारण क्या है? कैंसर का कारण वही जो केमिकल्स हैं, हानिकारक केमिकल्स हैं वही। अंदर काम करते हुए और भी लोगों को हुआ ये? हाँ, 2 लोगों को और हुआ। क्या हुआ फिर उनका हाल? वो दोनों लोग आज इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर एक राज राय और दूसरा जमुना, सेफ्टी का ही बंदा है उनका। ठीक है, तो आप कंपनी के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? कंपनी के खिलाफ मैं केस लड़ना चाहता हूँ। अभी मैंने माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी और इन सब लोगों को, ह्यूमन राइट सब लोगों को अपनी तरफ से ज्ञातत्व सौंपा है, क्योंकि मैं 2 साल तक जिस मानसिक प्रताड़ना को झेलता रहा, अब ये समय है कि मेरे को उनसे फीडबैक, उनसे लड़ना। आप आपके पीछे कौन कौन है आप जिनको पाल रहे? एक छोटी बेटी है। कितने साल की? 4 साल की। और मेरी वाइफ है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और बूढ़े माँ बाप हैं, पापा का भी रिटायरमेंट हो चुका है, तो उन लोगों की भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है।